भैरवी संगीत कला केंद्र के द्वारा गोरखनाथ स्थित ग्रीन सिटी के पार्क में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता को तिलक लगाकर एवं आरती उतारकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया, जिसके संबंध में भैरवी संगीत कला की संचालिका आराधना गुप्ता ने बताया कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को सैनिक शहीद हो गए थे, जिसको देखते हुए आज के दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उन वीर शहीदों के माता पिता को भी हम लोग नमन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कला केंद्र की संचालिका आराधना गुप्ता ने कहा, ऐसा है का जो प्लान है वो बाद में होगा। आज मैं अपने बच्चों को बोलूं, प्लीज हम लोग थोड़ा अपने माता पिता को तिलक प्यार से, मम्मी पापा को देखिए प्यार से देखिए, और जो ऐसे ही देखते बच्चा पढ़ने लगता है प्यार से। मेरा नाम आराधना गुप्ता है, मैं भैरवी संगीत कला केंद्र की संचालिका हूँ। हाँ, ये आज हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, और पुलवामा में आज के ही दिन जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर बहुत सारे हमारे शहीद हो गए थे, तो उनकी भी याद में उनके भी पेरेंट्स को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने एक जमाज हमें दिए, और जो हमारे वैल्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। माता पिता तो अपने बच्चों पे हमेशा प्यार लुटाते रहते हैं, लेकिन बच्चे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये प्यार उनका कम पड़ता जा रहा है, और ओल्ड एज होम जो हम बचपन में सुना करते थे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं वो अब हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो हमें बहुत शर्मिंदा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रखने की कभी कभी आज्ञा दे ही नहीं सकती। हमारे तो माता पिता शुरू से पूजनीय रहे हैं, हमारे गणपति जी हमारे लिए पूजनीय सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की, उनकी परिक्रमा की, उनकी पूजा की, इसलिए आज वो विश्ववंदनीय है, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। तो हम ऐसे ही लोग तो हमारे आदर्श हैं, हम हर कार्ड पे लिखते हैं ओम गम गणपते नमः, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्यों वो सबसे ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस कम सोच रहे हैं कि पैसा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर माँ बाप घर में है तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। बस यही कहना है, धन्यवाद।